हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डोर्स यानी के दरवाजे हमारे मॉडर्न हाउस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। रूफ यानी के छत और विंडो के बाद डोर्स ही हमारे घर की बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जैसे प्राइवेसी और सेफ्टी। इसके साथ साथ ये हमारे घर में ब्यूटी भी ऐड करते हैं। और अक्सर जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं तो हमारे सामने एक कन्फ्यूजन जरूर आती है कि हमें अपने घर के लिए किस तरह के डिजाइन के और किस तरह के डोर्स यूज करने चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत से तरह के डोर्स आ रहे हैं, जैसे पैनल डोर, फ्लश डोर और ग्लेज डोर वगैरह वगैरह। पर ज्यादातर लोगों को इन सभी डोर्स के बीच का डिफरेंस पता ना होने के कारण वे अक्सर इनकी सिलेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मार्केट में बेसिकली दो तरह के डोर्स ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें पहला है पैनल डोर और दूसरा है फ्लश डोर, जिन्हें आप अपने घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंट्रेंस के लिए यूज कर सकते हैं। पर इन दोनों ही डोर में एक बहुत ही मेन डिफरेंस होता है, वो होता है इन दोनों के बनाने के तरीके में। इसके साथ साथ इन डोर्स के डिजाइन, अपीयरेंस, कॉस्ट और प्रॉपर्टीज में भी बहुत डिफरेंस होता है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। इसीलिए वो अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनके घर के लिए बेस्ट डोर कौन सा रहेगा। तो बेफिक्र रहिए, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही तरह के डोर का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके घर के लिए कौन सा डोर बेस्ट रहेगा। तो जानने के लिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप अपने घर के लिए डोर सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो देखने के बाद जानकारी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे घर के लिए इन दोनों में से कौन सा डोर बेस्ट रहेगा, प्राइस के बेस पर, अपीयरेंस और डिजाइन के बेस पर, स्ट्रेंथ के बेस पर और कॉस्ट के बेस पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, अगर मैं सबसे पहले फ्लश डोर की बात करूं तो फ्लश डोर एक ही सिंगल सॉलिड आर्टिफिशियल लकड़ी के पीस से बनाया जाता है, यानी कि फ्लश डोर का बोर्ड आपको एक पीस में ही मिलता है। वहीं वुडन पैनल डोर नेचुरल वुड से तैयार किया जाता है, जो सिंगल पैनल, डबल पैनल, थ्री पैनल, फोर पैनल और सिक्स पैनल में तैयार किया जाता है। जो पैनल्स आपके डिजाइन पर डिपेंड करते हैं कि आप कितने पैनल वाला और कौन से डिजाइन का पैनल डोर रेडी करवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये सिंगल पैनल डोर है, ये डबल पैनल डोर है, ये थ्री पैनल डोर है और ये फोर पैनल डोर है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं। सेकेंड है कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि फ्लश डोर के नाम से ही पता चलता है, फ्लश मींस सीधा साधा, फ्लश डोर एकदम फ्लैट होता है, जिसके दोनों साइड का सरफेस एकदम स्मूथ रहता है, मींस ये पैनल में डिवाइड नहीं किया जाता। फ्लश डोर हार्डवुड के फ्रेम से बना डोर होता है। फ्लश डोर इस लकड़ी के फ्रेम को दोनों साइड से प्लाईवुड, एमडीएफ, विनीर और लैमिनेट से कवर करके इसके बीच के खोखले हिस्से में कार्डबोर्ड भरकर बनाया जाता है। ये सिंपली आप इसे ऐसे समझो कि फ्लश डोर टिम्बर फ्रेम और सॉलिड वुडन स्ट्रिप से बनाया जाता है। जो स्ट्रिप या बैटन्स इस पूरे वुडन फ्रेम के बीच में एज टू एज फिक्स की जाती है और बाद में इसको दोनों साइड से प्लाईवुड, एमडीएफ, विनीर और लैमिनेट से कवर कर दिया जाता है। यह एक रेडी टू यूज डोर होता है, बाद में आप इस पर पेंट भी करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वुडन पैनल डोर पूरी तरह से नेचुरल वुड का बना होता है। इस डोर में छोटे छोटे लकड़ी के पैनल्स को इंटरलॉकिंग ज्वाइंट्स का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता है। इस टाइप के डोर में रेलिंग और स्टेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये छोटे छोटे लकड़ी के पैनल स्टेल्स और रेलिंग के बीच में ही फिक्स किए जाते हैं। स्टाइल्स वुड की वर्टिकल लेंथ को कहते हैं और रेल्स वुड की हॉरिजॉन्टल लेंथ को। इन स्टाइल्स और रेल की वजह से ही आप इन्हें मनचाहा आकार दे पाते हो। नंबर थ्री, हार्डवेयर होल्डिंग स्ट्रेंथ। फ्लश डोर की स्क्रूज, लॉक्स, हैंडल और फिक्सर्स वगैरह को होल्ड करने की कैपेसिटी पैनल डोर जितनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि फ्लश डोर अलग अलग आर्टिफिशियल वुड की लेयर से बनते हैं। पर पैनल डोर की सभी हार्डवेयर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये डोर सॉलिड नेचुरल वुड से बनाए जाते हैं। और हाँ, हार्डवेयर की अगर बात करें तो जितना ध्यान आप लोग डोर के सिलेक्शन में देते हो, उतना ही डोर के हार्डवेयर पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे डोर्स के लॉक्स, हैंडल्स, हिंजेस और टावर बोल्ट्स एक्सेट्रा। और इन सभी डोर हार्डवेयर के लिए आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं आरके वॉक्स पर, जिसने अपने
डोर्स एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट के हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल्स, प्रोडक्शन टेक्निक और स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी फिनिशेस के दम पर इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई देशों में भी अपना इंटरनेशनल बेंचमार्क सेट किया है और लॉयल कस्टमर बेस तैयार किया है। आज आरके एंड वॉक्स लंदन अपनी विंटेज कलेक्शन, आइकॉनिक प्रोडक्ट सीरीज और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के बेस पर ही ग्लोबल ब्रांड बना है और तालों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत के साथ साथ दूसरी अदर कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, फ्रांस, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसे देशों में भी आरके वॉक्स के सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आरके वॉक्स अपने डायनेमिक प्रोफेशनल्स की डेडिकेटेड टीम के साथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाले डोर हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे मोर्टाइज हैंडल्स, पुल हैंडल्स, डोर टॉवल बोल्ट्स, डोर हिंजेस, आल ड्रॉप, कैबिनेट फिटिंग और लॉक्स एक्सेट्रा। आरके वॉक्स की प्रोडक्ट रेंज काफी अच्छी है जहां आपको अपनी जरूरत के अनुसार हर तरह के हैंडल्स और लॉक्स मिल जाएंगे, यहां तक कि डिजिटल और फिंगरप्रिंट कैबिनेट लॉक भी अवेलेबल है। आरके वॉक्स को इंटरटेक द्वारा कॉन्स्टेंट एक्सीलेंट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट भी दिया गया है जिसमें इंटरटेक ने यह कंफर्म किया है कि आरके वॉक्स द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनके सभी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के डोर हार्डवेयर प्रोडक्ट और लॉक्स की रिक्वायरमेंट है या आप इनके किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनकी rkvox.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आरके वॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। नंबर 4, एस्थेटिक्स एंड लुक्स। फ्लश डोर में लिमिटेड डिजाइन ही आते हैं जो पैनल डोर के मुकाबले इतने अट्रैक्टिव नहीं होते दोनों साइड से सरफेस प्लेन होने के कारण, पर वुडन पैनल डोर फ्लश डोर के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि नेचुरल लकड़ी से बनाए जाते हैं और इन पर अगर अच्छे से वैक्स और पॉलिश की गई हो तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं। पैनल डोर्स में डिजाइन भी अनलिमिटेड होते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बनवा सकते हैं। नंबर 5, बात करते हैं इन डोर्स की कंस्ट्रक्शन की। फ्लश डोर क्योंकि फैक्ट्री मेड होते हैं और आपको फ्लश डोर का बोर्ड एक पीस में मिल जाता है जिसके ऊपर कारपेंटर बड़ी ही आसानी से MDF, विनीर या लैमिनेट लगा देता है, यानी कि फ्लश डोर की कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी होती है। पर पैनल डोर की कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसको बनाने के लिए आपको हमेशा एक हाईली स्किल्ड कारपेंटर की जरूरत पड़ती है और हाँ, पैनल डोर में फ्लश डोर के मुकाबले टाइम भी ज्यादा लगता है, मीन्स पैनल डोर की कंस्ट्रक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नंबर 6 है टाइप्स। फ्लश डोर में बेसिकली तीन तरह के डोर आपको मिलते हैं। पहला है सॉलिड कोर फ्लश डोर जो एकदम स्ट्रॉन्ग और मजबूत डोर होता है। दूसरा है होलो कोर फ्लश डोर। इस डोर में इंटरनल पार्ट पूरा खोखला रहता है जो डोर इतना मजबूत नहीं होता और टेम्परेरी वर्क के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा है सेलुलर कोर फ्लश डोर। इस डोर में जो बैटन स्ट्रिप होती है उनमें गैप ज्यादा रखकर बनाया जाता है। पर इन तीनों ही टाइप के डोर में आपको हमेशा सॉलिड कोर वाला फ्लश डोर ही यूज करना चाहिए। इस डोर की मजबूती सबसे ज्यादा रहती है। पर पैनल डोर में कोई टाइप्स नहीं होता, यह पूरा नेचुरल सॉलिड वुड से बनाया जाता है। नंबर 7 है थिकनेस। फ्लश डोर आपको 25 mm की थिकनेस से लेकर 40 mm तक की थिकनेस में मिल जाते हैं, पर पैनल डोर आप 30 mm की थिकनेस से लेकर 50 mm तक की थिकनेस में भी तैयार करवा सकते हैं अपनी जरूरत के बेस पर। नंबर 8 है मैन्युफैक्चरिंग। फ्लश डोर फैक्ट्री मेड होते हैं और क्योंकि ये फैक्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं तो आपको इन डोर्स में ज्यादा माप नहीं मिल पाते, ये स्टैंडर्ड माप के ही अवेलेबल रहते हैं। पर अगर आपको इस दरवाजे को थोड़ा छोटा करना हो तो ये घर पर ही काटकर ठीक करने पड़ते हैं जो काफी कठिन काम है। पर पैनल डोर को साइट पर ही रेडी किया जाता है और डिजाइन की वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी आसान नहीं होती। नंबर 9 है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फ्लश डोर की मैन्युफैक्चरिंग में हार्डवुड और सॉफ्टवुड का फ्रेम यूज किया जाता है जिसके बीच में हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बैटन लगे होते हैं और ये सॉलिड कोर मटेरियल से बना होता है और फ्लश डोर के दोनों साइड प्लाईवुड यूज की जाती है। फ्लश डोर्स को हम बेसिकली तीन तरीकों से फिनिश कर सकते हैं। पहला तो इसके ऊपर लैमिनेट लगाकर, दूसरा इस पर वैक्स और पेंट करके, और तीसरा इस पर विनीर फिनिश करके। पर पैनल डोर्स की मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल वे में की जाती है। पैनल डोर्स को बनाने के लिए हम इंटरलॉकिंग ज्वाइंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लॉट्स ऑफ ज्वाइनरी स्टाइल्स और रेल्स वगैरह यूज की जाती है। इन डोर्स में स्टाइल और रेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। नंबर 10 है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फ्लश डोर की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा समय नहीं लगता, बस इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये डोर करेक्ट मेजरमेंट में ही बनाने पड़ते हैं। पर पैनल डोर में क्योंकि डिजाइन बनाने पड़ते हैं इसलिए इन डोर्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है जिसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। नंबर 11 स्ट्रेंथ।
फ्लश डोर हालांकि आर्टिफिशियल वुड से बनाए जाते हैं पर फिर भी इन डोर्स की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। पर अगर ये डोर्स पुअर क्वालिटी की आर्टिफिशियल वुड से बनाए गए हों तो इनकी स्ट्रेंथ पैनल डोर से भी कम होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फ्लश डोर की स्ट्रेंथ कम होती है, ये टोटली डिपेंड करती है फ्लश डोर के लिए यूज की गई आर्टिफिशियल वुड की क्वालिटी पर। पर पैनल डोर क्योंकि सॉलिड नेचुरल लकड़ी से बनाए जाते हैं इसलिए इन डोर्स की मजबूती फ्लश डोर के मुकाबले काफी अच्छी होती है। नंबर 12, साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन का मतलब है साउंड ट्रांसमिशन कम करने की एबिलिटी। फ्लश डोर की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है जो घरों में प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, पर पैनल डोर की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी फ्लश डोर के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट, टर्माइट रेजिस्टेंट। फ्लश डोर में टर्माइट मींस दीमक का कोई खतरा नहीं होता, ये कंप्लीटली टर्माइट रेजिस्टेंट डोर होते हैं। पर वुडन पैनल डोर में सागवान को छोड़कर बाकी सभी तरह की लकड़ी के डोर में दीमक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए आपको अपने डोर्स पर टर्माइट ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से करवाना है। और हाँ, एक बात और, आज मार्केट में 100 में से 90 टर्माइट ट्रीटमेंट कंपनी फ्रॉड है, ये पानी छिड़क छिड़क कर जाते हैं, वो नहीं करवाना है। या तो आप टाटा का कोई भी एंटी टर्माइट प्रोडक्ट ले लो या फिर मैंने असली टर्माइट ट्रीटमेंट केमिकल का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। नंबर 14 है मॉइस्चर रेजिस्टेंट। फ्लश डोर टॉप से कम मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी विनीर, लैमिनेट और प्लाईवुड मॉइस्चर में डिलेमिनेट यानी कि टुकड़े टुकड़े होकर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। पर पैनल डोर ज्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू फ्लश डोर्स। फायर रेजिस्टेंट। फ्लश डोर फायर रेजिस्टेंट होते हैं पर पैनल डोर जल्दी आग पकड़ लेते हैं एज कंपेयर टू फ्लश डोर्स। नंबर 16, स्टेन रेजिस्टेंट। क्योंकि फ्लश डोर का दोनों तरफ का सरफेस एकदम प्लेन रहता है इसलिए ये स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं। पर वुडन पैनल डोर्स क्योंकि छोटे छोटे पैनल्स को जोड़कर बनाया जाता है तो इनके ग्रूव्स में धूल मिट्टी ज्यादा जमा हो जाती है जिसे साफ करना भी इतना इजी नहीं होता। नंबर 17, पेंटिंग एंड पॉलिशिंग। अब फ्लश डोर में पेंटिंग और पॉलिशिंग की भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर फ्लश डोर के टॉप पर लैमिनेट फिनिश हो तो इस पर पॉलिशिंग और पेंटिंग की जरूरत नहीं होती, पर अगर फ्लश डोर के टॉप पर विनीर फिनिश हो तो इस पर पेंटिंग और पॉलिशिंग करनी पड़ती है। पर पैनल डोर पर पीरियोडिक समय समय पर पेंटिंग और पॉलिशिंग रिक्वायर्ड होती है। नंबर 18 है मेंटेनेंस। अब क्योंकि फ्लश डोर में शटर्स एकदम प्लेन होते हैं इसलिए इन्हें साफ करना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है, पर पैनल डोर के ग्रूव्स में धूल मिट्टी भर जाती है तो इन्हें क्लीन करना इतना आसान नहीं होता और समय समय पर इन्हें पॉलिशिंग और पेंटिंग करने की भी जरूरत रहती है। नंबर 19, हाउ दे आर सोल्ड। फ्लश डोर को बेयर फॉर्म में बेचा जाता है जिसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पर बस फिनिशिंग, पेंटिंग और वार्निशिंग करनी होती है। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरर रेडीमेड फ्लश डोर भी प्रोवाइड करते हैं डोर फ्रेम के साथ, पर पैनल डोर फिनिश फॉर्म में बेचे जाते हैं जिनकी साइट पर सिर्फ इंस्टॉलेशन ही करनी पड़ती है। नंबर 20, इंस्टॉलेशन। फ्लश डोर की इंस्टॉलेशन बहुत ईजी होती है एज कंपेयर टू पैनल डोर, पर पैनल डोर की इंस्टॉलेशन बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होती है एज कंपेयर टू फ्लश डोर, क्योंकि ये वजन में भारी होते हैं और इनकी इंस्टॉलेशन में हमेशा स्किल्ड कारपेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 21 है लाइफ और ड्यूरेबिलिटी। अगर इन दोनों डोर्स की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ की बात करें तो फ्लश डोर पैनल डोर से कम ड्यूरेबल होते हैं। इनकी लाइफ मैक्सिमम 25 साल तक की होती है और वह भी डिपेंड करती है क्वालिटी और डोर्स के टाइप पर। पर पैनल डोर बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं एज कंपेयर टू फ्लश डोर। अगर इनकी ओरिजिनल क्वालिटी अच्छी है और इन्हें प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो इन डोर्स की लाइफ 50 साल या इससे भी ज्यादा हो सकती है। नंबर 22, यूज। सेफ्टी और सिक्योरिटी देखते हुए फ्लश डोर सिर्फ इंडोर के लिए ही बेस्ट रहते हैं, मेन डोर के लिए इन्हें आप यूज न करें। पर पैनल डोर फ्लश डोर के मुकाबले ज्यादा सेफ और सिक्योर होते हैं इसलिए आपको हमेशा एक्सटीरियर और मेन एंट्रेंस के लिए वुडन पैनल डोर ही यूज करने चाहिए। और नंबर 23, लास्ट में बात आती है इन दोनों डोर्स की कॉस्ट की। तो अगर इन दोनों डोर्स की कॉस्ट देखें तो फ्लश डोर ही सस्ते होते हैं वुडन पैनल डोर से, क्योंकि ये डिजाइन में सिंपल होते हैं जिन्हें आसानी से रेडी किया जा सकता है। पर क्योंकि वुडन पैनल डोर नेचुरल वुड से बनते हैं इसलिए ये फ्लश डोर से ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। इनका रेट एक्सटीरियर के लिए तो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है और इंटीरियर के लिए 165 रुपए पर स्क्वायर फीट से। बाकी एरियाज और मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ये रेट वेरी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैनल डोर और फ्लश डोर का डिटेल्ड कंपैरिजन। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कंपैरिजन तो हमने देख लिया पर इन दोनों डोर्स में से बेस्ट डोर कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड और बजट पर।
वैसे आज के समय में ज्यादातर लोग फ्लश डोर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो इसे साफ करना बहुत आसान होता है, यानी कि इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, और दूसरा यह पैनल डोर के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। तो आप भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि यह टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड और बजट पर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों को अपने घर के लिए बेस्ट डोर सेलेक्ट करने में मदद करेगी। और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो, या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो, तो या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।